अल्लाह गए हैं सावली, कदमों में गिर पड़े बैठ जाऊंगा कि थर्रा गए हैं जालिम, कदमों में गिर पड़े हैं थर्रा गए हैं जालिम, थर्रा गए हैं जालिम, कदमों में गिर पड़े हैं पड़े हैं कदमों में गिर पड़े हैं, तलवार लेके जिस दम हजरत उमर चले, सलवार लेके ये रिकॉर्ड करो, तलवार लेके जिस दम हजरत उमर चले तलवार लेके जिस दम। और जिन मत मेरे छोटे भाइयों ने कुरान हिफ्ज किया है उनके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। उनके लिए फरिश्ते भी करते हैं दुआएं, उनके लिए फरिश्ते भी करते हैं दुआएं, उनके लिए फरिश्ते भी करते हैं दुआएं, दुआएं भी करते हैं दुआएं, जा करके मदरसों में जो कुरान पढ़ रहे तलवार लेके जिस दम हजरत उमर चले थर्रा गए हैं जालिम, और हम सब्र के पुजारी बुज़दिल हमें न समझो, हम सब्र के पुजारी बुज़दिल हमें न समझो, हम सब्र के पुजारी बुज़दिल हमें न समझो, समझो बुज़दिल हमें न समझो, मैदान में चाफी निकले जानते हैं। यूपी कभी देखिए नारा किस तरह से लगता है, आप लोग थोड़ा सा अगर नारा भी लगा देंगे तो शायद थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा। नारा तकबीर इस्लाम, तलवार लेके जिस दम हजरत उमर चले थर्रा गए हैं जालिम, हुबुल वक्ती का सबूत मांगते हैं, कहते हैं सीए नासी लगा करके हम इनको हिंदुस्तान से बाहर कर देंगे, कभी देखिए तारीख पढ़ करके हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए, जंगे आजादी की सफ में पहली सफ में टीपू शहीद, टीपू हमीद और अशफाकुल्ला खान जैसे शहीद भाई हिंदुस्तान की जंगे आजादी की पहली सफ में खड़े थे, और हमसे आप हुबुल वक्ती का सबूत मांगते हो कि तलवार लेके जिस दम हजरत उमर चले
पढ़ के देखो आजादी वतन की तारीख, पढ़ के देखो आजादी वतन की तारीख, पढ़ के देखो आजादी वतन की, वतन की आजादी वतन की, टीपू हमीद बने कर दुश्मन से हम लड़े बने करे, दुश्मन से हम लड़े हैं, थरला गए हैं जालिम, कदमों में गिर पड़े हैं तलवार लेके जिस दम। माइक कहीं को बढ़ाओ, मैं भी थोड़ा सा बढ़ा दूं। अब आइए, मेरी माँ बहनें यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, इनके हवाले से कुछ बात कर दूं। पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था, देखा था आप सबने, कर्नाटक की एक कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहन बीबी मुस्कान ने, जब उनको संघी गीदड़ों की, उस बच्ची को जब संघी गीदड़ों की फौज ने हिजाब का विरोध करते हुए उसके सामने जय श्री राम का नारा लगा रही थी, तो जब हमारी बहन ने जवाब के तौर पर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रही थी, तो गीदड़ों की फौज पीछे हट गए, उनके थर्रा गए। यकीन मानिए, जब ये मंजर जब वीडियो के जरिए से हमारे सामने आया, तो ये मंजर देख करके पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा हो गया। वो जो वीडियो में जो मंजर था उसको मैंने अपने शेर में ढालने की कोशिश की है। अगर बात सच लगे कि हाँ, नजमे हसन प्रताप बड़ी ने सच कहने की कोशिश की है, तो मेरे इस बात की तारीफ कीजिएगा। जोशो जुनू भरा था उसके इनकलाब में, जोशो जुनू भरा था उसके इनकलाब में, लेकर खुदा का नाम वो निकली जवाब में, लेकर खुदा का नाम वो निकली जवाब में, उनकी दरों की फौज से तन्हाई लड़ गई, उनकी दरों की फौज से तन्हाई निकली हमारी शेरनी जिस दम हिजाब में। हसन प्रताप करी, नजमा हसन प्रताप करी, जिंदाबाद। निकली हमारी शेरनी जिस दम हिजाब में, और मरियम की बेटियों के न कपड़ों पे तंज कर, सड़कों पे आते मुल्क का नक्शा बदल गया, एक लड़की कह के अल्लाह अकबर जो चल पड़ी, एक लड़की कह के अल्लाह अकबर जो चल पड़ी, दहशत करों का पल में कलेजा निकल गया। इतनी खामोशी से सुनेंगे आपसे, बात समझ नहीं आ रही। तीन मानिए, हमारी बहन बीबी मुस्कान ने पूरी दुनिया को, हमारी माँ बहनों को एक हौसला दिया है, पैगाम दिया है, दिया है कि नहीं, हाथ उठा करके बताइए। मेरी माँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, एक नज़्म पढ़ता हूँ बीबी मुस्कान के हवाले से। मैंने पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया अपने फेसबुक पेज पर अपने शेयर किया, तीन मानी दो दिन के अंदर 15 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सोशल मीडिया पे आप सर्च कर सकते हैं, नजमे हसन प्रताप गढ़ी, आप वहां भी जाकर करके देख सकते हैं। वो नज़्म सुनाना चाहता हूं आपको। इस नज़्म सुनाने का मकसद मुझे वाह वाह लूटना नहीं है, बल्कि एक पैगाम है।